सो लड़के आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के वाई 12 डिवाइस के अंदर आप चार्जिंग एनिमेशन सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आपको काफी सारी एप्लीकेशंस भी आती हैं जो चार्जिंग एनिमेशन प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन आपके भी फोन में अगर बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स मिल जाता है चार्जिंग एनिमेशन का तो आप उसे यूज करें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती है काफी ज्यादा एडवांस और फास्ट होती है। तो आप वहां अपने चार्जिंग एनिमेशन सेटिंग का यूज करके चार्जिंग एनिमेशन लगा सकते हैं। तो चलो हम डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे चार्जिंग एनिमेशन सेटिंग्स करनी है अपने वीवो के वाई 12 डिवाइस के अंदर। इसके लिए हमें जो सेटिंग्स को ओपन करना होगा, सेटिंग्स हमारी यहां पर है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमारे सेटिंग्स के अंदर जो आइकन्स वगैरह हैं थोड़े कलरफुल दिख रहे हैं। तो आइए मैं यूज करो, एक थीम है और थीम एप्लीकेशन में आपको थीम वीवो थीम एप्लीकेशन के अंदर ये थीम मिल जाएगी। हालांकि वीडियोज का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख के इस थीम्स को यूज कर सकते हैं। इसके कंट्रोल सेंटर वगैरह को आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा कलरफुल है जो ऑप्शन इनेबल्ड है। तो अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, वीवो थीम एप्लीकेशन के अंदर ये थीम इजिली मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक सेटिंग्स मिलेगी डायनेमिक इफेक्ट्स का, इस सेटिंग्स को ओपन कर लेना। आपके भी फोन में यही सेटिंग्स मिलेगी, क्योंकि एंड्रॉइड 10 के फीचर ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको जस्ट ओपन करिए। डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग्स को ओपन करने के बाद हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन चार्जिंग एनिमेशन का, आपको जस्ट इसे क्लिक करना है। चार्जिंग एनिमेशन के अंदर आपको एक दो नहीं, आपको ऑलमोस्ट 5 ऐसे एनिमेशन मिलते हैं, लाइक टेम्पलेट हैं ये, आप इनका यूज कर सकते हो। किसी भी एनिमेशन को यूज करने के लिए जस्ट हमें इसे क्लिक करना है और ये एनिमेशन आ चुका है। डेमो आप इस वाले लाइन में फोन में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फोन दिख रहा होगा, इसमें आप डेमो देख सकते हैं। और जैसे हम इसको अप्लाई बटन है अप्लाई कर देंगे, और अगर हम इस पर चार्जर कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ये थीम जो ये टेम्पलेट हमने यूज करा था चार्जिंग एनिमेशन के लिए वही शो होगा। तो हम चलो डेमो भी कर लेते हैं इसका, मैंने चार्जर इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो आप देखेंगे एनिमेशन और लॉक एनिमेशन हमारा वो वाला शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो फोन है वो जो थीम का यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को ये वाला मिल रहा है, इसलिए हमारे पास वो एनिमेशन अभी शो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप इसमें यूज़ करेंगे तो आपको वही एनिमेशन शो होगा जो आप वहाँ पर लगाएंगे। अगर आप कोई थीम यूज नहीं कर रहे थर्ड पार्टी की, तब आप ऐसे केस में आपको वही आपको दिखेगी एनिमेशन जो आप अपने फ़ोन पर लगाएंगे। हालांकि इसको लगाने का बिल्कुल आसान तरीका हमने बता दिया है, डायनेमिक सेटिंग्स में जाना है और चार्जिंग एनिमेशन पर क्लिक करके चार्जिंग एनिमेशन लगाना। हालांकि आप चाहें तो फेस एनिमेशन का भी ऑप्शन मिलता है, अलॉग इंटर होम स्क्रीन के बारे में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आपको उसके देखना है तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपके फ़ोन जब आप फ़ोन अपना अनलॉक करेंगे तो आपको ये सारे एनिमेशन देखने में मिलेंगे, फ्लाई इन फ्लाई आउट वगैरह है। तो आप जाओ ट्राई करो, चार्जिंग एनिमेशन में आपको यही सब चार्जिंग एनिमेशन है जो आपको पसंद आते हैं, तो जस्ट आपको उसे क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई बटन है, जस्ट अप्लाई कर देंगे तो ये एनिमेशन आपके फ़ोन के अंदर अप्लाइड हो जाएगा चार्जिंग के लिए। सो उम्मीद करते हैं गाइज आपको समझ में आएगा कि चार्जिंग एनिमेशन कैसे यूज़ करना है। अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह होती है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गाइज, वहाँ भी फॉलो करके अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। और अगर आपको फीस के रिकॉर्डिंग कोई आर्टिकल्स वगैरह रीड करनी है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, सिर्फ सर्च करना ब्राउजर में technicalvijay.in, इसके बाद वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर आपको लेटेस्ट पोस्ट मिल जाएगी या फिर आपको जो भी पोस्ट मिल जाएगी चार्जिंग एनिमेशंस की, आप उसको रीड करके भी इजीली आप इसे कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। सो होपफुली समझ गए होंगे, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट कर देना। एंड गाइस मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।